हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैन लॉ। इन टुडे लेक्चर सीरीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 के साथ साथ हम इसमें सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक हम डिस्कस करेंगे, जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है। तो वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो चलते हैं। कंसेंट। कंसेंट डिफाइंड, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कहने का मतलब ये है कि ये सेम थिंग पे एग्री होना चाहिए एक दूसरे को। ये फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, जो कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्या होता है, यही सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। सो फ्री कंसेंट जो जानने से पहले, कंसेंट को आईपीसी में भी बताया गया है। आईपीसी में सेक्शन 90 में बताया गया है कंसेंट क्या नहीं होता है। जैसे कि कंसेंट अगर किसी इंसेन का कंसेंट लिया गया है या फिर किसी चाइल्ड का कंसेंट लिया गया है तो ये कंसेंट के अंदर नहीं आएगा। तो ये आईपीसी में पढ़े थे तो उसको छोड़ दीजिए, अभी हम फ्री कंसेंट के बारे में जानते हैं। तो फ्री कंसेंट क्या होता है, व्हाट इज़ फ्री कंसेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई फर्स्ट कोअर्जन, सेकेंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड वन इज़ फ्रॉड, फोर्थ वन इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ वन इज़ मिस्टेक। ठीक है, तो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये होता क्या है। तो सेक्शन 15 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 15 है, जो कि कोअर्जन को बताता है। कोअर्जन में बेसिकली होता क्या है कि कोअर्जन में होता है कि ये फिजिकल थ्रेट होता है कोअर्जन में, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल थ्रेट नहीं होता है। बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वन ऑफ द पार्टीज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। सो एक पार्टी जो होता है किसी दूसरी पार्टी के पोजीशन को डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप हो गए, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप हो गए, या फिर गार्जियन एंड वार्ड का रिलेशनशिप हो गया, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप हो गया, ऑनर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप हो गया, मैनेजर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया, डॉक्टर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप हो गया। तो इसमें क्या होता है, इन दिस वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, इसमें ऐसा होता है। तो जैसे कि मैनेजर एंड एम्प्लॉय का बहुत अच्छा एग्जांपल है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। आपने देखा होगा कई बार मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम करवा लेता है और उसको कि तुम्हारी प्रमोशन रोक दूंगा, तुम्हारा बोनस नहीं मिलेगा, तो ऐसे करके उससे काम करवा लेता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड बेसिकली फ्रॉड इज इट मीन्स टू इंड्यूस अ मैन टू बिलीव दैट अ थिंग इज ट्रू विच इज एक्चुअली फॉल्स। वो दिखाता है कि ये चीज़ सही है। जैसे कई बार आपके मोबाइल फ़ोन में कई बार किसी बैंक से मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड फ्रॉम दिस दैट एंड डेबिटेड फ्रॉम दिस दैट, तो ये फॉल्स मैसेजेज आते हैं, क्योंकि वो बंदा जो कर रहा है उधर से वो फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड डिनोट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑनेस्ट बिलीफ बट हैज़ नो रियल इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस। ठीक है, उसका रियल इंटेंशन नहीं होता है कि प्रॉमिस को फुलफिल कर पाए। देयर इज़ नो रियल इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस इन केस ऑफ फ्रॉड। वाइल ऑन अदर साइड मिसरिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया। तो मिसरिप्रेजेंटेशन इज मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलीज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच हैज़ बिकम अनट्रू। लाइक कि आपने फ्री गिफ्ट देखा होगा, आप जब मॉल में जाते हो तो वहाँ पे लगता है कि ये आपको फ्री गिफ्ट मिला है। बेसिकली वो फ्री गिफ्ट नहीं होता है, ये प्राइस इंक्लूडेड होता है। जो बिल आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसमें वो प्राइस इंक्लूडेड होता है। तो ये सारे मिसरिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।